हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सारस्वत S.S.Jain Subhod PG कॉलेज BSC PHYSICS ओनर्स सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में अपने IIT-JAM की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन कर रखा है। मैं फिजिक्स इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ। तो मेरा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो IITs में जाने का ड्रीम रखते हैं या कभी उनका ड्रीम ब्रोक हुआ हो। अब वो IIT से MSc है, PhD प्रोग्राम्स है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाकर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है, मेरा ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अभी जैसे क्वार्टर का टाइम है तो स्टडीज़ में इतना मन नहीं लग पा रहा, यूनिवर्सिटीज़ भी कन्फ्यूज है कि एग्ज़ाम लिया जाए या ना लिया जाए। तो ये आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है कि वो अपना एफर्ट लगाएं और जो फरवरी की जो जैम है, फिजिक्स जैम है, वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छी रैंक से क्लियर कर सकते हैं। बट जैसा कि सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है, सब लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग्स में इतना अच्छा नहीं होता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, पूरा ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने थॉट से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑनलाइन कोचिंग में जो कंसंट्रेशन बच्चे का होता है ऑफलाइन कंपेयर में ज़्यादा होता है, बिकॉज बड़े क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब पे नज़र रख पाना सर का पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में सर के सामने ऑन स्क्रीन सारे बच्चे शो होते हैं, जिसका भी डाउट आता है वो बच्चा हैंड रेज करता है, तो सर बीच के क्लास में, बीच के टॉपिक में ही सर उसका डाउट सुनते हैं और उसका डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात आती है कि टीचर्स कैसे, क्या एक्सपीरियंस वगैरह है भी या नहीं है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इस कोचिंग के डायरेक्टर सर है राकेश ढाका सर, वो खुद 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके खुद के पास 4 टाइम्स बार एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर रखा है, 2 टाइम्स गेट भी उनके पास है, 1 टाइम शायद JRF भी उनके पास है। तो उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, वो पिछले 10 साल से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत ही पुराना है, भरोसेमंद है। और दूसरी 2 फैकल्टीज और है, पूनम मैम है, पूनम चौधरी मैम खुद IIT से है, और सरिता मैम है, वो भी JRF क्वालिफाइड है, महारानी कॉलेज से है। तो सबका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टूडेंट्स की ये थॉट्स है जिस वजह से वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। तो बस मेरा उनसे यही सजेशन है, रिक्वेस्ट है, जो चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम्स ये आती है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अभी जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग फ़ीस वगैरह का क्या है। तो फ़ीस का भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, 30,000 है। इसके अलावा दूसरा रहता है मटेरियल का क्या है, मटेरियल कैसे है, अच्छा है भी या नहीं है, असेसमेंट्स वगैरह है, शीट्स वगैरह क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए दी जाती है नहीं दी जाती है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स हैंड रिटन है, जो सर लाइव पढ़ाएंगे वही नोट्स आपको लिखवा भी जाएंगे। और असेसमेंट बहुत सारे, लगभग 6,000 क्वेश्चंस अपन को मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की ई बुक्स है वो भी प्रोवाइड कॉलेज कोचिंग करवाएगी अपन को। तो मटेरियल की भी कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस टीचर्स है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी इसके बहुत शानदार है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के रिजल्ट्स देखो तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली इंस्टीट्यूट फिजिक्स इंस्टीट्यूट ही है। और भी मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। जो बच्चे IITs में जाना चाहते हैं, अपना MSc प्रोग्राम करना चाहते हैं या रिसर्च में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कोचिंग को ज्वाइन करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास दूसरा भी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके पास दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं है, तो वो अपना पूरा फोकस लगा के बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई रिगार्डिंग इशू नहीं है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स है जाना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अपने ड्रीम्स को ट्रू बनाएं। थैंक यू सो मच।